भ्रष्टाचार की नींव हमारे देश में जीप स्कैंडल के साथ साल 1948 में ही पड़ गई थी। उस समय जहां एक दशक में 2 से 3 घोटाले हुआ करते थे, वहीं आज एक साल में ही 20 से ज्यादा घोटाले हो जाते हैं। साल 2012 में करीब 41 घोटाले सामने आए, तो साल 2013 में 25 और साल 2014 यानी इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक 8 घोटालों के मामले सामने आ चुके हैं। देश की तरक्की और आम आदमी के लिए भ्रष्टाचार के साथ साथ दफ्तरशाही और कुशासन भी एक बड़ी समस्या है। इन्हीं परेशानियों से निपटने के लिए 12 अक्टूबर साल 2005 को सूचना का अधिकार कानून पास हुआ, जिसके आने से लोगों को सरकारी तंत्र और सरकार द्वारा किसी भी रूप में सहायता प्राप्त संस्थान से सीधे जानकारी मांगने का अधिकार मिला और सरकारी तंत्र की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ी। देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक अच्छा हथियार। यह आरटीआई एक्ट जो है, इसने एक आम नागरिक को एक पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा पावर दे दी है। एक संसद सदस्य अगर एक कोई लिखित आंसर अगर क्वेश्चन का उसे मिलता है पार्लियामेंट में, तो वो एक बार मिलता है। यहाँ पर हमारे को 3 अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहले सूचना अधिकारी जवाब देता है, अगर हम उससे संतुष्ट नहीं हो तो प्रथम अपीलीय अधिकारी से अपील कर सकते हैं, उससे भी संतुष्ट नहीं हो तो सूचना आयोग में जा सकते हैं। सरकारी विभागों द्वारा सताए गए बहुत सारे लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई की मदद से अपनी समस्याएं सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है दक्षिण दिल्ली स्थित शेखसराय में रहने वाली 50 वर्षीय सुनीता, जिनके घर में इनको मिलाकर 4 सदस्य हैं। इनके 2 बेटे और इनका पति, जो छत से गिरने की वजह से काम में नहीं जा पा रहा है। एक तो पहले से ही गरीबी की मार और उस पर पति के काम में न जाने की वजह से आमदनी का भी कोई ठिकाना नहीं। गरीबी रेखा से नीचे होने के बावजूद भी इन्हें इनके राशन कार्ड पर राशन नहीं मिलता था। वो हरा मतलब राशन नहीं देता था सही से। जब 12 रुपए किलो गेहूँ चावल ना गेहूँ कहता था आटा ही नहीं है मेरे, आटा ले जाओ, आटे में भी कीड़े निकलते थे बार बार। फिर इन्होंने सतर्क नागरिक संगठन से जुड़कर सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जाना और इसका इस्तेमाल कर अपने हक की लड़ाई लड़ी और अब उनको हर महीने 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और 6 किलो चीनी मिलने लगा। सही तरह से आरटीआई दायर करने का तरीका होता है। आप प्लेन पेपर पे भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको सूचना अधिकारी का नाम जानने की जरूरत नहीं है। आप लिखिए सूचना अधिकारी, विभाग का नाम और पता, और उससे छोटे छोटे प्रश्न जो कि कंफ्यूज नहीं हो वो आप प्रश्न बनाइए। प्रश्नों में वाई और रीजनिंग नहीं मांगिए, ये अलाउड नहीं है। तो आप अगर पूरे एक्ट को पढ़ के और उसमें धारा 81 जो एग्जेम्पशंस की है उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछिए। हर सरकारी विभाग में जन सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, जिनके पास आरटीआई दाखिल की जाती है। फिर ये पीआईओ विभाग से जानकारी इकट्ठा कर आप तक पहुँचाते हैं। अगर आपकी आरटीआई गलत विभाग में पहुंच जाए तो ये उस विभाग के पीआईओ की जिम्मेदारी है कि वो उसे संबंधित विभाग तक पहुंचाए। अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सूचना देने से इनकार कर दे तो उस पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। कोई भी पीआईओ सिर्फ उन विषयों पर सूचना देने से मना कर सकते हैं जो आरटीआई एक्ट के आर्टिकल 8 में दिए गए हैं। अगर आपने आरटीआई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दी है तो 30 दिन के अंदर, और अगर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दी है तो 35 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाना चाहिए। और जिन मामलों में सूचना किसी की जिंदगी और स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो उसका जवाब 2 दिन के अंदर मुहैया कराना जरूरी है। अगर आवेदक को जवाब समय से नहीं मिले या वो जवाब से संतुष्ट न हो तो वो फर्स्ट अपील कर सकते हैं।
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की धारा 4B के तहत सरकारी विभागों को कुछ सूचनाओं की जानकारी की घोषणा खुद करनी पड़ती है। इसलिए सूचना मांगने से पहले ये देख लें कि विभाग ने इंटरनेट या अन्य किसी माध्यम से जानकारी दी है कि नहीं। सूचना का अधिकार कानून ने देश के नागरिकों को अपने हक के लिए खड़े होने और सरकारी तंत्र से सवाल जवाब करने का मौका दिया है। देश के हर जिले के GPO यानी जनरल पोस्ट ऑफिस में एक असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मौजूद है जो लोगों को RTI फाइल करने में मदद करते हैं। देश भर में RTI एक्टिविस्ट द्वारा बनाए गए कई ऐसे संगठन हैं जो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन RTI को लेकर लोगों में डर भी है क्योंकि कुछ RTI एक्टिविस्ट को इस मुहिम के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। इसीलिए विसल ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए फरवरी 2014 में संसद ने विसल ब्लोअर्स बिल को पारित किया। इस मुहिम को आगे बढ़ाने और समाज को इसके प्रति जागरूक करने के लिए जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन यानी जिमसी ने अपने स्टूडेंट्स द्वारा हर हफ्ते समाज से जुड़ी समस्याओं को उजागर करने का बीड़ा उठाया है। स्टूडेंट्स RTI के माध्यम से अलग अलग सरकारी विभागों से सूचनाएं प्राप्त कर लैब जर्नल और टेलीविजन स्टोरीज बनाते हैं और समाज को RTI के जरिए जानकारियां प्राप्त करने के लिए जागरूक करने की कोशिश करते हैं। जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम हक से जानेंगे।